नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2022 में आने वाली महिंद्रा स्कॉर्पियो के बारे में। आज हम इसके स्पाई इमेजेस के अकॉर्डिंग इस कार का रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कार कैसी होने वाली है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि गाड़ियों की लेटेस्ट न्यूज आपके पास समय समय तक पहुँचती रहे। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, मैं आपको इस कार के काफी फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारतीय यूटिलिटी व्हीकल निर्माता महिंद्रा पिछले कुछ समय से लगातार नए स्कॉर्पियो को टेस्ट कर रही है। इस बार आने वाला मॉडल नए लुक और मॉडर्न फीचर के साथ टेस्ट के दौरान देखा गया है। ऑफिशियल लॉन्च से पहले नई जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो की नई स्पाई फोटोज को वेबसाइट पर देखा गया है। इन तस्वीरों से इसके इंटीरियर व एक्सटीरियर से जुड़ी जानकारी का पता चलता है। ये अगले साल की शुरुआत में पेश की जा सकती है। नए महिंद्रा स्कॉर्पियो में डुअल पॉड वाले प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, कई वर्टिकल स्लिट्स के साथ अपडेटेड ग्रिल, बम्पर पर नए डिजाइन वाले एयर डैम्स, ऊपर की तरफ उठा हुआ बोनेट, साइड में बड़े व्हील आर्चेस, स्टेप रेल्स, मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स, टर्न इंडिकेटर्स, शार्क फिन एंटीना, पीछे वाइपर और वॉशर, हाई माउंट स्टॉप लैंप के साथ इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, टेलगेट पर जुड़ा हुआ नंबर प्लेट और वर्टिकल LED टेल लाइट जैसे फीचर मौजूद है। वेरियंट के अनुसार नई महिंद्रा स्कॉर्पियो में सनरूफ, डुअल जोन का क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील्स, रूफ पर जुड़े हुए स्पीकर, लेदर अपहोल्स्ट्री और आरामदायक राइड के लिए आगे की तरफ मुड़ी हुई थर्ड रो की सीट जैसे फीचर हो सकते हैं। इस SUV में 2 लीटर एम्स्टेलियन टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन हो सकता है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल व ऑटोमेटिक गियरबॉक्स को जोड़ा गया है। सामने आई नई तस्वीरों द्वारा महिंद्रा स्कॉर्पियो में पैनोरामिक सनरूफ होने की जानकारी मिली है। XUV700 के लॉन्च के बाद महिंद्रा ने सनरूफ के लिए स्काई रूफ नाम से ट्रेडमार्क किया है, जो आने वाली स्कॉर्पियो के लिए भी लागू होगा। हाल ही में मौजूदा जनरेशन पर आधारित मॉडल टेस्ट के दौरान थोड़ा ढका हुआ नजर आया था, जिससे उम्मीद है कि इसका फेसलिफ्ट मॉडल तैयार किया जा रहा है। हालांकि कंपनी पूरी तरह से नए जनरेशन मॉडल को तैयार कर रही है, सेमीकंडक्टर की कमी के चलते इसके लॉन्च में देरी आ सकती है। काफी लोग इस SUV के फेसलिफ्ट वर्जन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी 2022 में आने वाली न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये बहुत जल्दी 2022 में लॉन्च होने वाली है, हम सभी को इस कार का बेसब्री से इंतजार है। तो बस यही देखना बाकी है कब तक ये कार भारत में लॉन्च होगी। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट गाड़ियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग गाड़ी ट्रेंड, ड्राइव सेफ।